देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली को आज बड़ी सौगात। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन, साथ ही 1.6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। 5 अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से दिल्ली के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। यार तुम फिर आपको हम दिखा रहे हैं जहां उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 5 अंडरपास का भी उद्घाटन किया गया है जिससे कि दिल्ली वासियों को फायदा होगा और इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी के साथ कई और नेता, केंद्रीय मंत्री मौजूद है, पीयूष गोयल भी यहां पर मौजूद हैं उनके साथ। और साथ ही आज दिल्ली को जो ये सौगात दी जा रही है उससे दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। ज्यादातर ट्रैफिक की समस्या राजधानी में होती है और उसका समाधान करने के लिए यहाँ बकायदा मैपिंग के जरिए समझाया जा रहा है कि आखिर इस सौगात से दिल्ली को कितना फायदा होगा और ये रूट कहाँ कहाँ से कनेक्ट होगा। तो ये देखिए तस्वीर जहाँ बकायदा प्रधानमंत्री ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ का काम पूरा हुआ है और साथ ही किस रास्ते से, किस एरिया से दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी सबसे ज़्यादा। तो बातचीत भी कर रहे हैं पीएम मोदी यहाँ पर नेताओं से, क्योंकि वो पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है पीएम मोदी ने और दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है क्या, इसकी खासियत क्या है। तो विस्तार से समझाते हैं अब आपको कि आखिर इसकी खासियत क्या है और इससे क्या फायदा होगा। लगभग ये 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। और इसके अलावा आपको बता दें ITO और इसके साथ ही मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक से निजात मिलेगी। परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, तो ये एक हिस्सा है एक योजना का। 920 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ये सुरंग बना है जिससे कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा दिल्ली वासियों को होगा। जो दिल्ली आ रहे हैं उनको भी फायदा होगा। टनल का निर्माण कार्य जनवरी 2018 से ही शुरू हुआ था और ये 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंग के जरिए आना जाना मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको एक तो ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी और साथ ही जो समय बहुत ज्यादा लग जाता था कहीं भी जाने में उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत जो बनाया गया है, जो कार्य किया गया है, उससे कई जगहों पर जाना आसान हो जाएगा। परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है और ये है आखिर इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितनी राहत इससे होगी। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर जो है उसका उद्घाटन कर दिया है पीएम मोदी ने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या होती है, लोग परेशान रहते हैं, 1 घंटे जहां पहुंचना है वहां 2-2 घंटे लग जाते हैं, अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नमित, देखिए बिल्कुल अंशिका, आज से जो है दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम ने दी है और कुछ ही देर पहले इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। और जिस वक्त अभी इस वक्त मैं भैरव मार्ग पर खड़ा हूँ और इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद भैरव मार्ग पर भी जो ट्रैफिक लगता था उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। सामने मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे जो इस कॉरिडोर का हिस्सा है, जो सुरंग आपको देखने को मिल रही होगी, यहीं से उस सुरंग के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और 1.5 से 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसके अलावा 5 अंडरपास का उद्घाटन भी आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी कि
दिल्ली के अंदर जो आईटीओ का पूरा इलाका है, मथुरा रोड और भैरव मार्ग, यहाँ से दिल्ली के बाहर से जो लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं उनको काफी जाम झेलना पड़ता था, ट्रैफिक झेलना पड़ता था, लेकिन इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद उनको अब उस जाम से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उनको जो समय है उसमें काफी कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर पहुंचते थे गाजियाबाद से, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो तकरीबन एक घंटे जाम में फंसने के बाद आपको दिल्ली के अंदर एंट्री मिलती थी। एक तो उससे टाइम में कटौती होगी, साथ ही साथ बात करें तो लोगों को पेट्रोल और डीजल में उनकी कमी होगी, ईंधन की बचत होगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन लगातार बढ़ता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये माना गया है कि तकरीबन 1,40,000 जो वाहन है वो रोजाना इसी सड़क से गुजरते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रगति मैदान की जो अंडर पार्किंग है वो यहाँ से आप सीधे उस पार्किंग के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं उस कॉरिडोर के, और यहाँ से देखिए वो यहाँ से पार्किंग के अंदर आप सीधे जा सकते हैं, और जो कॉरिडोर का जो यहाँ से अंडरपास का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, अंडरपास के अंदर जो 1.6 किलोमीटर का अंडरपास है उसके दोनों तरफ हाथ से जो है उस पूरी वॉल पर पेंटिंग बनाई गई है। ये भी एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है। और या बात करें तो अभी तक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस जो वॉल पर पेंटिंग बनाई गई है सबसे लंबी पेंटिंग जो है वॉल पर विश्व के अंदर जो है बनाई गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस पेंटिंग का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया जा सकता है। ये ऊपर का हिस्सा है, सामने देखिए यही कॉरिडोर के नीचे से अंडरपास निकल रहा है जो कि सामने नोएडा और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो राजघाट आपको निकाल देगा। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली के बाहर से लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे उनको तो जाम से निजात मिलेगी ही, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो पीक आवर्स होता है यानी कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इसी रोड से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गुजरते हैं जो कि रोजाना दिल्ली से गाजियाबाद अप डाउन करते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए लगभग 920 करोड़ की लागत से इसको पूरा तैयार किया गया है और 2018 में ही इसका काम शुरू हो चुका था नमित। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही अगर इस तरीके के कार्य होते हैं तो, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है उन लोगों के लिए राहत मिलेगी जो लोग अक्सर आना जाना करते हैं सड़कों पर। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री का क्या स्केड्यूल रखा गया है नमित, ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि उद्घाटन किया है अभी पीएम ने इस कॉरिडोर का, इसके बाद कहाँ जाएंगे? देखिए फिलहाल कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने रिबन काट के इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उनके साथ कुछ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं। फिलहाल वहां पर वो अधिकारियों से समझ रहे हैं कि इस कॉरिडोर का कितना लंबा रूट प्लान है और यहां इस कॉरिडोर के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे तो कितने जो एंट्री पॉइंट है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो इस कॉरिडोर के अंदर कहाँ कहाँ से लोग बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा जो 5 अंडरपास हैं उनकी कितनी लंबाई है और उनसे दिल्ली के किन किन हिस्सों में जाया जा सकता है, ये पूरी जो जानकारी है वहां पर मौजूद अधिकारियों से नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इसके बाद यहां उद्घाटन करने के बाद उनको जो है थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित भी करना है, वहीं पर एक मंच भी बनाया गया है। फिलहाल वहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो कर लिया गया, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहां पर भी आप देखेंगे पूरी रोड को जो है फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको उनके जवानों की भी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पर की गई है, क्योंकि आप देखिए कि यहां पर आमतौर पर आज से पहले अगर आप आएंगे तो काफी ट्रैफिक आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन देखिए इस सुरंग के ऊपर जो सौंदर्यकरण का काम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक सर्कल के माध्यम से यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर इस कार्य को, जैसा आपने जिक्र किया कि इस पूरे कॉरिडोर को पूरा होने में काफी समय लगा, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस पूरे यही मेन रोड है जो गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो काम किया गया उसमें इतना वक्त लगा, 3 से 4 साल का वक्त जो है वो इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में लगा है। लेकिन हालांकि यहाँ के जो लोग थे, कल मैं यहाँ पर आया था तो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये कॉरिडोर शुरू होगा, हालांकि बन ये गया था पहले ही, लेकिन आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से ही इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। आज शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच से आम लोगों के लिए इस कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। देखिए नमित, राजधानी में अक्सर जब भी बरसात होती है तो बहुत ही ज़्यादा पानी का जो जमाव है वो देखा जाता है, बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति हो जाती है, और ऐसे में जो ये टनल बनाया गया है, जो ये सुरंग बनाया गया है, क्या इसमें वो व्यवस्थाएं हैं जो अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उस चीज़ को भी दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को भी?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें इतना वक्त लगा है क्योंकि काफी हाईटेक ये सुरंग और अंडरपास बनाए गए हैं नीचे, ताकि जो जल भराव है वो स्थिति ना देखी जाए। इसी वजह से जो अंडरपास और सुरंग के नीचे के हिस्से हैं वहां पर ऑटोमेटिक जल भराव को निकालने का, निकासी का जो एक पूरा प्लान है वो तैयार किया गया। नीचे पाइप लगाए गए हैं जिनके द्वारा वहां पर पानी नहीं भरेगा। इसके अलावा जो सुरंग है वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी लगाए गए हैं। तो ये तमाम हाईटेक तरीके से इस पूरी सुरंग को तकरीबन 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की गई है। साथ ही जो 5 अंडरपास है वो तैयार किए गए हैं। जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में अगर आप पीक आवर्स में जाएंगे, यानी कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जब लोग अपने ऑफिस से घरों की तरफ रुख करते हैं, उस दौरान काफी भीड़ रहती है, काफी ट्रैफिक लोगों को झेलना पड़ता है। इन 5 अंडरपास के खुल जाने के बाद से यहां से अगर आप निजामुद्दीन जाना चाहते हैं तो बिना ट्रैफिक के आप जा सकते हैं, यहां से राजघाट जाना चाहते हैं, यहां से अक्षरधाम जाना चाहते हैं, तो तमाम जो ऐसी लोकेशन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेन ऐसी जगह है जहां से दिल्ली के अंदर एंट्री होती है, ऐसे में इन अंडरपास और इस सुरंग के खुल जाने की वजह से न केवल लोगों को ट्रैफिक की समस्या से अब जूझना नहीं पड़ेगा, इसके अलावा उनको पेट्रोल और डीजल की भी काफी बचत होगी।